खबर श्री गंगानगर के अनूपगढ़ से है, जहां सट्टा कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। एवन टीवी की टीम ने इसके पुख्ता सबूत जुटाए। दरअसल एवन टीवी की टीम को सट्टा कारोबार की सूचना मिली थी और इसके बाद जब हमारी टीम सटोरियों के पास पहुंची तो बेखौफ सटोरियों ने सट्टे का नंबर लिखा और हस्तलिखित पर्चियां भी दी। लेकिन इस पूरे मैटर में खास बात यह रही कि पुलिस थाने के मात्र 10 कदम की दूरी पर सरेआम ये कारोबार चल रहा है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस को इसकी कोई सूचना नहीं, कोई जानकारी नहीं। अब देखना यह होगा कि पुलिस प्रशासन आखिर कब तक अपनी नींद से जागता है और इन सटोरियों पर कार्रवाई करता है। ये जो पर्ची सट्टा है, ये मतलब किराने की दुकानों में, गलियों में, मोहल्लों में, बाजार में बहुत अति मात्रा में ये लगाया जाता है। और इसमें सबसे बड़ी समस्या जो ये है कि जो नाबालिग बच्चे हैं, युवा है, विद्यार्थी हैं, ये भी इस ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि इसमें ये गुमराह किया जाता है कि 1 रुपए के 90 रुपए मिलेंगे। और इस तरीके से यदि मतलब आंकड़े देखे जाएं तो मतलब लाखों रुपए का सट्टा है ना प्रतिदिन यहाँ शहर में लगता है। पुलिस प्रशासन को भी कई बार अवगत करवा चुके हैं। और सबसे बड़ी जो एक मतलब हास्यास्पद स्थिति यह है कि पुलिस थाने के से 50 से 100 मीटर की दूरी पर ही सट्टा लग रहा है। वहाँ दुकान है, किराए पे लेके सट्टा लगाया जा रहा है। तो जबकि ये बहुत ही मतलब सामाजिक समस्या है और इस और पुलिस प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें एवन टीवी न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।